नमस्कार, मैं हूं अदिति सिंह। मेरे साथ आप सभी देख रहे हैं एंटी करप्शन न्यूज। आइए बढ़ते हैं वसई विरार की 10 बड़ी हलचल की ओर। राज्य सरकार ने बदला रुख, वसई करों में गुस्सा। वसई विरार महानगर पालिका में 29 गांव रहेंगे बरकरार। वसई के कोल्ही गांव में महावितरण का इंजीनियर रिश्वत लेते पकड़ा गया रंगे हाथ। वसई की कंपनी में आग लगने के बाद महानगर पालिका ने कंपनियों को दी फायर ऑडिट की नोटिस। तुलिंज पुलिस स्टेशन अंतर्गत प्रगति नगर से 6,26,000 के ड्रग्स के साथ नाइजीरियन महिला गिरफ्तार। नालासोपारा से डाउन प्रवास करने वाले यात्रियों के लिए मुंबई रेलवे में एक विशेष पोस्टर लिखा, कृपया इंसानियत दिखाकर बैठने के लिए जगह दे। आखिरकार तुलिंज पुलिस स्टेशन को मिले सरकारी वाहन, आरोपियों को थाने ले जाने के लिए निजी वाहनों का किया जाता था इस्तेमाल। नालासोपारा सेंट्रल पार्क के मैदान में आयोजित मेले में सरेआम गांजा पीने का वीडियो वायरल। विरार आरटीओ से एक साल में 6,120 वाहन धारकों ने लिए चॉइस क्रमांक, खर्च किए 5,28,45,000। वसई विरार शहर में चल रही है अवैध लॉटरी की दुकानें। वसई विरार मीरा भाईंदर के पूर्व आयुक्त सदानंद दाते के कार्यकाल में था लॉटरी पर कड़ा प्रतिबंध। रेल राज्य मंत्री दानवे ने पश्चिम रेलवे के वसई टू दहानु रोड खंड पर बुनियादी ढांचा परियोजनाओं की समीक्षा। आज के लिए इतना ही। ऐसे तमाम ताजा तरीन अपडेट्स के लिए लगातार बने रहे हमारे साथ। तब तक के लिए नमस्कार।